जो देख रहे हैं ये भव्य राम मंदिर का एक स्केल्ड मॉडल है और इस राम मंदिर में एक सूर्य तिलक की तैयारी की गई है। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप चौहान, वो वैज्ञानिक हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ने इस सूर्य तिलक की तैयारी की है। चौहान साहब, ये सूर्य तिलक कैसे बनेगा और गर्भगृह में सूरज कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, ये बड़ी एक चैलेंज है क्योंकि गर्भगृह इनक्लोज्ड होता है, तो वहाँ हम कैसे रोशनी ले जाएं, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑप्टिको मैकेनिकल सिस्टम की डिज़ाइन किया और उसमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस का यूज़ हुआ। इसमें हमने चार लेंस, चार मिरर का उपयोग किया है और इनके सारे सिस्टम को हम थर्ड फ्लोर पर मंदिर के शिखर पर लगाएंगे और वहाँ से इन लेंस और मिरर्स के माध्यम से ये प्रकाश गर्भगृह तक पहुँचेगा और गर्भगृह में प्रत्येक रामनवमी को रामलला के मस्तक पर यह सूर्य तिलक 2 से 3 मिनट के बीच रहेगा। और ये चूँकि हमारा जो हिंदी तिथियां होती हैं वो हर वर्ष बदलती हैं, तो हम इंग्लिश कैलेंडर से नहीं जा सकते, तो 19 वर्ष का जो चक्र होता है उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल फिजिक्स और CBRI ने मिलके इस सूर्य तिलक को डिज़ाइन किया है। ये प्योरली ऑप्टिको मैकेनिकल है, इसलिए किसी पावर या किसी चीज़ की हमें इसमें आवश्यकता नहीं है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है, उन्होंने आपको सूरज किस तरह से मूवमेंट होगा और अर्थ का क्या मूवमेंट होगा उसकी जानकारी दी और जो ऑप्टो मैकेनिकल पार्ट है वो आपने बनाया, ऐसा क्या? हाँ, चूँकि दोनों ही हम लोगों ने, उन्होंने इसकी वास्तव में उन्होंने ही हमें काफ़ी दी और हम दोनों ने मिलके इस चीज़ों किया, तो इस तरह से बांटना है कि ये किसने किया ये किसने किया, हम दोनों ने मिलके उनके उसमें डायरेक्शन दी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें दी, कुछ चीज़ें हमने उनसे साझा की, उसके बाद ये एक प्रोडक्ट निकला। तो सूर्य तिलक लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये थे प्रदीप चौहान साहब, जो वैज्ञानिक हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और आप देख सकते हैं गर्भगृह यहाँ पे होगा और ये पूरी तरह एनक्लोज्ड है। इसके अंदर किस तरह से सूरज की किरण हर रामनवमी को 12 बजे एक शानदार तिलक रामलला के माथे पे लगा पाएं, उसके लिए गहन साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बगैर बैटरी और बगैर कोई लोहे को यूज़ किए हुए ये इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है। रामलला के लिए ढेर सारे वैज्ञानिक खोज करने के बाद ही इस राम मंदिर पे बहुत चीज़ें लगाई गई हैं। रामलला के इस स्केल्ड मॉडल टेंपल के साथ से फरीदाबाद से कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।